हेलो, गुड आफ्टरनून. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ यंग 22-year-old न्यू कमर इन बॉलीवुड, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा. मुझे आज भी याद है जब उड़ता पंजाब फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले लीक हुई थी, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि ये बॉलीवुड में हो रहा है एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉलीवुड. बट ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा खुद मेरी फिल्म के लिए हो जाएगा, वो भी 17-18 दिन पहले. मुझे अच्छे से याद है मेरे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में हर जगह से फैंस के मैसेजेस आ रहे थे, टेक्स्ट आ रहे थे कि सुपर फिल्म, बहुत इन्जॉय किया, ऑलरेडी देख ली है, आपकी परफॉर्मेंस एकदम मस्त है, बहुत अच्छी है, आपने घोस्ट का रोल बहुत अच्छा किया. तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हूँ कि रोऊं. It's the worst nightmare, and I think that this is the worst thing which can ever happen to any producer, a filmmaker, and an actor. It's like a murder. I would say more than a murder. Itni, you know, we make a film with a lot of blood, sweat, and tears. Itni mehnat se banti hai, itne saal lage. I wouldn't say 2 years, but I would say for past 13 years, because Masti is not a small film. It's the biggest comedy franchise of Bollywood in the history of Indian cinema. A lot of people and everybody, even in the audiences, had a lot of expectations from this film. And this is what has happened to us. Humko har cheez mein, jab se humne promotion karna start kiya, har cheez ko lekar bahut sari problems aayi, bahut dikkaton ka samna karna pada day one se. सबसे पहली बात, रिलीज डेट शिफ्ट करनी पड़ी. पहले 22 को आ रहे थे हम, अब हमारी फिल्म रिलीज़ हुई 15 तारीख को. ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चुनौती होती है कि एक हफ्ते पहले आना. फिर सुल्तान जैसी इतनी बड़ी फिल्म की एक हफ्ते बाद रिलीज़ हो रही है, इतने सारे प्रमोशंस में हमको इतनी प्रॉब्लम्स हुई, हम अच्छे से अपनी फिल्म का प्रमोशंस भी नहीं कर पाए. इतनी सारी प्लानिंग्स थी, इतनी सारी हमने अच्छे प्लान्स बनाए थे प्रमोशंस को लेकर. हम इस शो में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इतने सिटी टूर्स करेंगे, हर जगह अच्छे से प्रमोशन करेंगे. सॉन्ग्स को लेकर के इतना ज़्यादा रेज था पूरे ऑल ओवर इंडिया में. सबने बहुत तारीफ़ करी, सारे चाहे वो टाइटल ट्रैक हो रेशम का, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी. हर कोई इतना ज़्यादा क्यूरियस था. नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर हमको इतनी प्रॉब्लम हुई एंड प्रमोशंस, रिलीज़, हर चीज़ को लेकर के इस फिल्म में शुरुआत से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. और मैं ये बात एक और ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो वो इतनी वल्नरेबल हो जाती है, इतनी सॉफ्ट टारगेट बन जाती है कि हर कोई चाहता है कि किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जाए. मुझे आज भी याद है, आई वेंट टू सिद्धिविनायक, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या नॉर्मल ड्राइवर, कोई भी फैन, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, ऑलरेडी देख चुके हैं. सो दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू से, नॉट ओनली एज एन एक्टर, एज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रांड मस्ती, बट ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर बॉलीवुड, कि हमारे साथ हो गए, आगे फ्यूचर में किसी फिल्म मेकर, किसी प्रोड्यूसर, किसी एक्टर के साथ ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए. स्टॉप द पायरेसी, इट इज़ द वर्स्ट थिंग विच कैन एवर हैपन. And in the end, I would like to say thanks to the entire media and my wonderful filmmaker, my director, who's a godlike person to me, Mr. Indra Kumar. My producers, amazing people, Ashok Takeria, Ekta Kapoor, entire Balaji team, Aman, our fantastic writer, Tushar Hiranandani, and my most talented, my actors, Ritesh, Vivek, and Aftab. And so that's what I want to say, that we need to stop this. And this is such a big issue. Hamare saath ho gaya hai, aage future mein kabhi kiske saath na ho. And we need to act upon it as soon as possible, because this is such a major thing which has happened. Thank you. Thank you, guys.
You can start the Q&As now. रितेश एक या रितेश एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम क्या फील कर रहे हैं इस वक्त. एक बात दिमाग में आई कि एक किसान है, दो साल खेती करता है, उसको पालता है, पानी देता है, सींचता है, अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई उस पर लगाता है, और जब फल उग जाता है तो चंद लोग आते हैं, उसको रस्सी से बांध देते हैं और पूरे बाग को लूटते हैं, पूरे पेड़ उखाड़ के चले जाते हैं, और वो वहीं बेबस खड़ा खड़ा देखता रहता है. तो आज हम सबको ऐसा फील हो रहा है कि हमारी दो साल की मेहनत, हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत पानी में गई है. हमने लोगों को एंटरटेन किया, हमने लोगों के फेस पे स्माइल लाई, हमने लोगों को हंसाया, लेकिन एंड में जो लोगों ने ये फिल्म वीडियो पे देख ली, नेट पे देख ली, उन्होंने अल्टीमेटली हमको रुलाया. तो प्लीज़ हमारे साथ आपने किया ऐसा, आगे से मेहरबानी करके दूसरों के साथ ऐसा मत कीजिएगा. प्लीज़ पायरेटेड कॉपी देखना बंद कीजिए, इस देश में पायरेसी को बंद कीजिए प्लीज़. हाय रितेश, मेरा सवाल आपसे है. आजकल क्या बहुत समय से हर फिल्म रिलीज होते ही या रिलीज के एक दो दिन पहले ही ऑनलाइन आ जाती है. सुल्तान भी आ गई थी. एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि सेंसर कॉपी है वो रिलीज बहुत पहले आ जा रही है. आप लोगों की 15 दिन पहले आ गई उड़ता पंजाब की भी आ गई, साराट की भी आ गई, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई बाद में. तो क्या आप एक पैटर्न देखते हैं इसमें कि सेंसर कॉपी लीक हो रही है? सिर्फ नॉर्मल कॉपी लीक नहीं हो रही है, अनसेंसर्ड कॉपी. इसमें एक पैटर्न देखते हैं, सबोटाज करने की कोशिश देखते हैं आप? सबसे पहले मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सैराट की कॉपी रिलीज के बाद आई थी. बट सेंसर कॉपी थी वो. सेंसर कॉपी थी पर रिलीज के बाद. उड़ता पंजाब 2 दिन पहले और 17 दिन पहले ग्रेट ग्रैंड मस्ती. ओके, द बिगेस्ट ब्लो इज डेफिनेटली पायरेसी, बट ऑल्सो द इफेक्टिवनेस ऑफ पायरेसी इज द लीड टाइम दैट इट गेट्स टू इनफिल्ट्रेट wherever it needs to reach. यहाँ पर जहाँ तक पैटर्न की बात आप बता रहे हो, तो आई एम नो बडी टू अंडरस्टैंड सच पैटर्न. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ जितना इन्फॉर्मेशन है कि शायद उड़ता पंजाब और ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ये एफ कैट कॉपीज जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे उतना हम लोग श्योर है. पर बाकी सारे फिल्म्स जो जिनकी पायरेसी हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, किस तरह हो रही है, ये दिस आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर बिकॉज आई डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन. एक सवाल और कि आपको नहीं लगता कि CBSE जो सेंसर बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी बनती है, FCAT की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग जब कॉपी भेजते हो और लीक वहीं से हो रही है सेंसर कॉपी, तो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जबकि CBSE जो है इस मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहा है. वो कह रहा है कि पता नहीं कोई एक तरह की एक साजिश है, हमारे खिलाफ ही साजिश है CBSE ऐसा कहने की कोशिश करे, तो आप लोग कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा. आई थिंक हितेश जी विल हैव टू. इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा. जो पैटर्न आप बात कर रहे हैं, 17 दिन पहले जो लीक हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड और सिर्फ ग्रेट ग्रैंड मस्ती के साथ ही हुआ है. इसके पहले जो पैटर्न था वो काफ़ी अलग पैटर्न दिखाई दिया है. दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि DVD जो सील्ड एनवेलप में दे दी गई थी, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन के समय पता चला था, तब पता चला कि वो DVD कोई दूसरे एल्बम में काफ़ी और DVD के साथ रखा गया था और उसमें सील हुआ था. तो ये जो मामला है कि हम जिस तरह से DVD देते हैं या DVD देनी चाहिए, DVD अगर देते हैं तो उसे किस तरह सेफगार्ड करना चाहिए, इसके बारे में जो भी रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके बारे में तो काफ़ी बातचीत हो चुकी है, रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं और वो जांच का दायरे में भी, एंड जो साइबर सेल जो इंक्वायरी कर रही है, ये सारी बात उस इंक्वायरी में स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से लीक हुई है. परंतु जैसे आपने बताया है कि ये जो सेंसर कॉपी या ये जो FCAT की यहाँ से जो लीक की जो हमारी कंप्लेंट है, तो उसकी पूरी जाँच हो रही है
और एज अ इंडस्ट्री वी हैव एंड हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दिए हैं और वो आगे का इशू होगा, पर आज का इशू ये है कि ये जो पायरेसी हुई है उसके हिसाब से जो डैमेजेस हुए हैं और जो इन अनप्रेसिडेंटेड लॉस हुआ है वो सबसे बड़ी बात है। विवेक एक सवाल आपसे है। जब ये फिल्म जो भी होती हैं वो सेंसर होती हैं तो एक ऑफिसर रहता है, दो लेडीज़ होती हैं, दो मेल मेंबर्स रहते हैं। अगर आपकी फिल्म रिवाइजिंग कमेटी में गई होगी तो वो 11 मेंबर्स होते हैं, अदरवाइज ये 4 लोगों के ही होते हैं। फिर उसमें कट्स, डेफिनेटली आपके इसमें कुछ ना कुछ कट्स होंगे। इंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ कट्स सेंसर ने आपको दिए होंगे। जी, और हमको एक्सेप्ट नहीं थे। फिर हम रिवाइजिंग कमेटी के पास नहीं गए, हम सीधा एफकैट के पास गए, दिल्ली ट्रिब्यूनल के पास। जी, तो मैं सिर्फ सेंसर बोर्ड का आपको बता रही हूँ कि इन केस अगर ऐसा होता है तो जो कट्स होते हैं वो अंदर ही देखे जाते हैं। एडिटिंग रूम सेंसर बोर्ड जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर है, अंदर होता है। अंदर सारा सेंसर होने के बाद जिसने किया है ऑफिसर और जो एक मेंबर होता है उनके पूरे बकायदा साइन होते हैं और वो सील हो जाता है। तो मुझे समझने में ये चीज़ हो रही है कि जो और यूजुअली ये गवर्नमेंट बॉडी है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तो उन वो जो इस तरह के लोग होते हैं वो लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड लोग होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं उनका पक्ष ले रही हूँ, लेकिन अगर सपोज ये एलिगेशन लग भी रहा है तो ये कहाँ पर हो सकता है? अगर देखिए, ये हमने दिल्ली में सबमिट किया था। ओके। और जैसे हितेश जी ने अभी बताया कि हमने सील्ड कॉपी दी है और जो भी ऑफिसर ये रिसीव करता है उसका भी फर्ज है कि वो रिसीव करे सील्ड कॉपी को ही। जैसे अगर आपके पास मैं आया, मैंने आपको अनसील्ड कॉपी दी, तो आपका कोई मतलब लेने का हक ही नहीं बनता। आप वो कॉपी वापस दे दोगे कि भाई इसको सील करके लाओ या अभी मुझे सील करके दो। बट जैसे अभी हितेश जी ने बताया कि वही कॉपी जब अभी साइबर सेल वाले गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी 2 दिन पहले, तो मेरे से पहले भी काफ़ी फिल्में वहाँ पे दी गई थी। जैसे वाह ताज करके मेरे एक असिस्टेंट की ही फिल्म है, उस भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी में आई थी और वो भी उसने, मैंने कल ही उससे बात किया, उसने बोला मैंने उसको सील करके दी थी। अब जब साइबर सेल वाले यहाँ गए वहाँ पर, जैसे हितेश जी ने बताया कि उन्होंने पूरी सील खोलकर सबको एक ही एल्बम में डाल दिया था, जैसे फोल्डर होता है ना जी, वैसे, और उसको एक पैकेट बना के खुद ही सील कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में उनको मिली है कि वो सील थी, बट वो जो कॉपीज हमने दी थी जैसे आप सेंसर में है, उसको खोलने का तो कोई मामला बनता ही नहीं है, ना ही जरूरत है। यहाँ तक कि बाहर भी मेंबर्स को जाने नहीं दिया जाता जब तक साइन ना हो। हाँ, तो वो तो आप जानते हैं। तो अगर मैंने कॉपी सबमिट की है तो वो जो सील्ड कॉपी है वो खुल सकती ही नहीं है। इसमें स्पष्टता लाने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इंदु जी ने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया शायद क्लैरिटी कहीं मिस ना हो जाए। जो कॉपी आप देते हैं आप सील करके देते हैं, बिना सील की कॉपी रिसीव करने का उनको हक नहीं है। तो आप जब सील कॉपी देते हैं उस कॉपी का सील खोलने का भी किसी के पास हक नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस कंडीशन में ये सारी कॉपीज पाई गई, हमारी कॉपी पाई गई, किसी ने सील खोला था और खोलकर बाकी सारी फिल्मों के साथ डालकर एक बड़े बैग में सील किया गया था, ऐसा हमें बताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ये साइबर सेल के थ्रू जो खुद इन्वेस्टिगेशन करने वहां गए थे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और देखिए हमारे लिए ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं कि ये पायरेसी कहाँ से हुई है, ये DVD कहाँ से लीक हुई है, और जिस किसी ने इस DVD को लीक किए है, चाहे इस चेन में जो कोई भी आ जाए, जो जानकारी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, एक बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है
तो उसमें जो सारे इसमें जो वायलेटर्स है उन सबके खिलाफ हम लोग सिविल एक्शन लेंगे। मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, एक्चुअली आज हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो हम सर झुका के अपने गम में बैठ जाते कि हमारे साथ ये हो गया, अब क्या करें, किस्मत को दोष देकर, या दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इस तरह जुड़कर आप लोगों का समर्थन लेकर, सपोर्ट लेकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि आने वाली सारी फिल्मों को, हमारी इस फ्रेटर्निटी को, हमारे इस परिवार को डैमेज ना हो। जो दिन हम देख रहे हैं ये दिन कोई और ना देखे। और मैं इसमें और एक बात जोड़ना चाहूँगा, जब प्रमोशन के दिन थे, कुछ ऐसे भी दिन थे जैसे रितेश और उर्वशी गए थे सो यू थिंक यू कैन डांस प्रमोट करने के लिए, मैं नहीं जा पाया, मुझे दिल्ली दौड़ना पड़ा। दिल्ली दौड़कर मंत्री जी से मिलकर पूरी ताकत लगा के कितना हम रोक सकते हैं पायरेसी, उसमें ध्यान बटा रहा। हमारी पूरी मार्केटिंग टीम जो फिल्म मार्केट करना चाह रही थी वो भाग दौड़ कर रही थी लीगैलिटीज समझने के लिए कि भाई लीगली हम किसको किस तरह से रोक सकते हैं। एक चीज इसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़ी सिल्वर लाइनिंग जो उभर के आई है, हितेश जैन और उनकी कंपनी जो है LMT लीगल, इन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे लिए काफ़ी मेहनत करके निकाली है, जो मुझे लगता है आगे फ्यूचर में जो फिल्में आएंगी उनके लिए बहुत मदद होगी। जहां पे अभी क्या होता है, आपकी फिल्म लीक होती है, सेकंड्स लगते हैं आपको फिल्म पायरेट करने में, किसी को ट्रांसफर करने में, डाउनलोड करने में, मिनटों में चीज़ ट्रांसफर पायरेट हो जाती है। आपको रोकने में जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है वो डेज का प्रोसीजर होता है। आपने कोर्ट में पहले एफिडेविट सबमिट किया, फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, फिर आपकी तारीख निकली, तारीख निकलने के बाद ऑर्डर मिला, देयर इज नो इमरजेंसी एक्शन। हालांकि ये सिचुएशन ऐसी है इमरजेंसी, एवरी आवर वी वर लूजिंग। हमने मंत्रियों को भी यही बोला था व्हेन वी वेंट टू दिल्ली कि सर हर घंटा जो जा रहा है, एवरी आवर दैट वी आर लूजिंग करोड़ ऑफ रुपीज एवरी आवर, क्योंकि जो वो चार पाँच दिन एक्शन लेने में लग गए उसमें हमारा इतना नुकसान हुआ है डिजिटली, यू कांट इमेजिन। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जहां पे प्रोड्यूसर को चार जगह भागदौड़ नहीं करनी पड़े, हमें कोई प्रोटेक्शन पहले से मिले, और अगर हमें खबर ऐसी मिलती है 17 दिन पहले तो वो चीज इमीडिएटली लागू होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अप टू अस टू प्रूव कि ऐसा हुआ है, एंड देन सर्च फॉर एक्शन फ्रॉम द कोर्ट, सर्च फॉर एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, देन द कोर्ट ऑर्डर हैज टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट, देन द गवर्नमेंट विल टेल अदर पीपल टू ओबे दैट ऑर्डर, देन दोज पीपल हैव टू रिएक्ट टू इट, द रिएक्शन टाइम इज सो लॉन्ग, इन दैट टाइम ऑल इज लॉस्ट। विवेक जी आपसे एक सवाल, आपसे विवेक जी इसी से कनेक्टेड सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपके फादर बीजेपी गवर्नमेंट में और काफ़ी रसूख रखते हैं, आपने जैसे कहा कि आप राठौर जी से मिले थे, इसके लिए अरुण जेटली जी ने काफ़ी कुछ एक कमेटी वगैरह बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उनसे वो डिपार्टमेंट ले लिया गया है और वेंकैया नायडू जी आ गए हैं, तो क्या तब तक ये ग्रैंड मस्ती काफ़ी देर भी हो जाएगी, तो उसके बाद भी क्या आप वेंकैया नायडू के पास भी जाकर इसकी अपील करेंगे? हम सब लोगों ने वैसे ही डिसाइड किया हुआ है कि अब इसे हम लोगों को मिलकर एक मिशन की तरह, पूरे फिल्म फ्रेटर्निटी को एक परिवार की तरह जोड़कर एक स्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और मेरे से बहुत सारे सीनियर लोग हैं इस मंच पर भी, और वो लोग भी इसमें लीड ले रहे हैं। हमारे तरफ से जो भी हमारा समर्थन होगा हम करेंगे। जैसे तेलंगाना में TIPCU का एक स्ट्रक्चर बना है, ऐसा स्ट्रक्चर बनना बहुत ज़रूरी है, एक वन स्टॉप शॉप जहाँ आप दर दर नहीं भटक रहे हैं। आपके साथ ये हुआ है, आपने बात की, एंटिसिपेटरीली आपको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे इंदू जी ने कहा, हम इतना बड़ा एंटरटेनमेंट टैक्स भरते हैं इंडिविजुअल्स, हम सर्विस टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, हमें प्रोटेक्ट किया जाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनना ज़रूरी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट में टॉप लेवल पे सभी लोग, चाहे वो राज्यवर्धन जी हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हो, ये लोग सब बहुत रिसेप्टिव थे। इन्होंने खुद कहा कि आप हमारे पास एक स्ट्रक्चर जैसे आप चाहते हैं बना के लाइए, हम उस पर अमल भी करेंगे, हम उस पर आपकी मेहनत मदद भी करेंगे, वी विल सपोर्ट यू। तो वो भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। इंदर जी सॉरी से दैट अगेन, आई थिंक समीर कैन आंसर दैट बेटर इन टर्म्स ऑफ द DCP फॉर्मेट। समीर
actually see this, I mean, you know, it's been a huge loss. And now obviously the process, whether it's malafide or negligence, but there's obviously something, you know, there's some fault with the process of this whole thing. So we are obviously, you know, going to take, you know, move in that direction. We are going to make sure there are no such copies that can be easily sort of, you know, stolen or leaked or whatever available. It should be leaked because, you know, there's a lot of money that rides on this, right? It's like 2 years of effort. It's third part of a franchise. The last one did 100 crores. This one cost 40 crores. It's a huge amount of money to be just, you know, just like that. So it's a, and you know, it's like, you know, another way of saying it is that you go and put your money in a government bank, and then the bank gets robbed, right? So then, like, what happens after that, you know? So it's just, you know, I agree, it's unfortunate, and you know, everyone has, you know, given us a lot of support and sympathy and all of that. But the fact is that the loss is the loss, and compensation, you know, we will, you know, have to figure that. So yes, of course, you know, this whole system needs overhauling. Do you feel that there's any kind of a provision? आपके left में sir, यहाँ पर. इस तरह का कोई provision नहीं है कि अगर मैंने मेरी अमानत मतलब sensor board को दिया है तो you have something in writing like you know if this certain things happen like you know तो they are totally fully responsible for that thing. और बहुत साल हो गए actually तो ये हमारे fraternity से ही हम लोग जो producer level पर है इस तरह के कुछ provisions बनाए कि मतलब किसी को इस तरह के आगे problems ना हो तो how are you trying to work on this thing or agar ye kisi tarah se sabit ho gaya to what kind of you know damages are you trying to you know jo bhi hai pehle to sabit hona chahiye par aapko nahi lagta ki maine agar meri amanat aapko di hai to like you are also totally responsible for that particular thing of course agar maine koi amanat di aapke haath mein to aapka farz hai ki usko aap puri protection de ab jab aapko pata chala ki ye jo leak copy hai jisme uncensored likha hua hai watermark wagera usme hai censored copy hai we can totally like it's like they are totally responsible whoever it might be they are unke level par jo log bhi ho ji to aapko nahi lagta hai ki but totally unki responsibility hai at least ek first point pe ye to pata hi chal jata hai ki jo cheez leak hui hai wo wahan se hui hai mere khayal se ye sawal ka jawab itesh ji better denge dekhiye jab aap government ko safe custody mein dvd dete hai aur fcat ko dete hai jab dvd तो उनका काम है उस डीवीडी को सील्ड कंडीशन में रखना और उनका काम है जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती है टू मेक श्योर करना कि वो सफिशिएंट सेफगार्ड रखे कि वो डीवीडी लीक नहीं हो जाए परंतु अगर इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाता है कि डीवीडी अगर उनके कस्टडी से लीक हो गई है जो जांच चल रही है इस वक्त तो 100% कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी उन लोगों को सबको प्रोड्यूसर्स को कॉम्पेंसेशन देना होगा बिकॉज ये जो चलता है एटीट्यूड कि क्या होता है डीवीडी क्या है ये बातें जो है जब हम 22वीं शताब्दी के और आगे की जब बात करते हैं तो ये चलता है एटीट्यूड से हमें बाहर निकलना होगा और एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो हमें एक बार पता चल जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं हमारा एग्जाम्पल हुआ है तो हम जिस आदमी ने लीक की है हम उसको भी एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि आगे कोई लोग सोचे कि उसे लीक करना है और लीक करना है तो सिर्फ अपोलॉजी या शर्मिंदगी नहीं होगी उस आदमी की या सिर्फ वो जेल नहीं जाएगा पर वो उसके खीसे से भी पैसा भरेगा तो जो कोई लोग हैं जिन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इस डीवीडी लीक करने की उन सब के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे देखो इंश्योरेंस कोई सोल्यूशन नहीं है ना इंश्योरेंस में तो फिर ठीक है आप इंश्योरेंस तो ठीक है यानी इंश्योरेंस तो हर चीज़ के लिए इंश्योरेंस तो होता है पर उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी एक ये है तो मैं इंश्योरेंस की इससे कोई बात नहीं निकाल आई मीन इंश्योरेंस के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम इस बातचीत से कम्प्लीटली हम विषय को दूसरी दिशा में ले जाएंगे और दूसरा तो, ये है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है जब आपको पता ही नहीं है तो आप इंश्योरेंस क्या करवाओगे कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं ऐसा गाइस आप लोग कॉम्पेंसेशन की बात कर रहे हैं इस केस में किससे लेंगे और कैसे मैंने जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी कि कहां से डीवीडी लीक हुई है पहली बात तो जहां जिसने लीक की है वो पहला कल्प्रिट है दूसरा फॉर एग्जांपल अगर लीक पता चलने के बाद और कोर्ट के ऑर्डर्स कुछ लोगों को सर्व किए गए थे कि आप इसको डाउनलोडिंग नहीं अलाउ करें आपके यहाँ अपलिंकिंग नहीं करें तो कोर्ट्स के ऑर्डर के बावजूद अगर उन्होंने कोऑपरेशन नहीं किया है तो दूसरे कल्प्रिट वो होते हैं तो ये सारी जो मामला जो है फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पर इसमें काफ़ी लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी और फिर उस हिसाब से कार्रवाई होगी
सर यहाँ पर एक और बात जो रितेश ने कही थी, एक और बात जो रितेश ने कही थी कि सिर्फ पायरेसी करने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चोरी का माल खरीदने वाला, चोरी का माल डाउनलोड करने वाला, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और इस प्रोसेस के दौरान ही मुझे पता चला, मुझे ये भी नहीं पता था, आई मीन समबडी, आई थिंक आई एम कंसिडरेबली अवेयर, तो आई थिंक बहुत सारे यूथ हैं हमारी देश की जिनको ये पता भी नहीं है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो ट्रैक किया जा सकता है, एंड लिटरली यू कैन बी अरेस्टेड फॉर डाउनलोडिंग। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वो अलग बात है, बट आपका आईपी एड्रेस अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं किसी टॉरेंट साइट से, और मैंने आपके ऊपर केस किया कि मुझे पता चला है कि इसने डाउनलोड किया है, ये 50 लोगों ने डाउनलोड किया है, ये 50 के 50 अरेस्ट हो सकते हैं, यू कैन हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड जस्ट फॉर डाउन, इट इज देयर एज प्रोविजन इन द लॉ। इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ वो अलग बात है, अब उसका कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आई थिंक यू हैव टू टेक इट सीरियसली सर। नो आई इन माई ओपिनियन एंड इट्स अ वेरी लिमिटेड ओपिनियन बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द लॉ लाइक हितेश जैन, बट इन माई ओपिनियन आई फील दैट द लॉ इज देयर बिकॉज द अमाउंट आई हैव रेड ऑन दिस पायरेसी इशू बिकॉज ऑफ इट हैपनिंग टू अस, द अमाउंट आई एडुकेटेड माई सेल्फ ऑन दिस, I realize the laws and provisions are there, but the implementation is not there. That implementation hasn't happened. So somebody like you and me, I think most people in this room would not know that downloading pirated content is also a crime. Most people would not know. Most people would not know that they can be tracked, that it can be tracked to your house. They can easily connect. Ye, ye, ye. Abhi humne jab investigation kiye, to aise logon ko humne pick up kiya. We had them, the cyber crime arrested people across India. To get information, to try and find out where the leak happened from, they were arrested and they were tracked through their IP, their email addresses, small things like that. We found everything out. So they have the provision and the ability to do it if the will is there. So yeah, first of all, to minimize just the, Riteji told about that, that was the saddest day he has attended as a PC, same year with our media also, that the saddest day that I could see the faces and really sad for us. Second thing, I appreciate that it's not a Grand Masti team has come. I think you are representing the Bollywood. I think that there should have been more people to fight for this kind of piracy. And I wish that there could have been more people. Sorry, I just wanted to one sorry, more. Sorry, just to that point, I must say that there's been tremendous support from everybody from our entire fraternity, whether actors, producers, directors, everybody has stood with us during this tough time. This platform was not meant to have everybody on that platform. This was meant for us to finally speak after holding our silence for 17 days. But as an industry, we are united and we have received incredible support. And just to add one more thing, we personally requested every actor, producer who was with us, please not tweet about this. Don't let people know. They have given their support to us. And hi, to minimize the losses, you know, so are the actors also thinking of, you know, not taking their full amount of remuneration? If you would. Yeah, so sorry, to come back to this point. The entire industry has been in touch with all of us. They have extended their support and they've also said whenever they need, because what happens that we are here releasing a movie, we have an agenda, so they don't want to do something that is against what we are trying to achieve during the release week. And your question that there should have been probably more people, yes, they are all ready to be here, but we thought today was just about us trying to share something that is really dear to our heart and something emotional with you guys. To minimize the loss, are you actors on board are thinking of, you know, reducing the remuneration, maybe not taking the acting fee and helping the producers in a way? That they already have done, and they have stood by me. So that is good without saying. They have been very supportive, they are with me. And even when they did the film,
they had done on their subsidized rate. They have given that to me. And still, when I am facing the loss today, they are standing with me like a rock. So that thing they have done. I'll answer this question on their behalf. My question is to आपसे सवाल है कि बालाजी को लगातार दूसरी बार टारगेट किया गया है तो क्या आपको लगता है कि बालाजी को टारगेट करने की वजह से जो आप लोगों ने उड़ता पंजाब के दौरान एक्शन लिया था सेंसर बोर्ड के खिलाफ या सीबीएफसी के खिलाफ उसकी वजह से इस फिल्म में लीक कराकर कुछ लोगों ने आपको आपकी फिल्म को वैल्यू कम दी और इसकी वजह से क्या ये भी एक बहुत रीजन मानती है इस चीज को